हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबका स्वागत करती हूँ अपने किचन पंचम्स किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न चाट यानी कि भुट्टे की चाट। इस चाट को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम सामग्री की जरूरत पड़ती है। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं कॉर्न चाट। आइए हम एक बड़ी कढ़ाई गैस पे रखते हैं और उसमें 1 लीटर पानी डालते हुए इसमें उस पानी को हम उबलने के लिए रख देंगे और उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से उसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद अब हमने 2 भुट्टे छील लिए हैं, उसे हम उबलने के लिए डाल देंगे और उसको अच्छे से घुमाएंगे। अच्छे से घुमाने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के 8 से 10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। 8 से 10 मिनट हो गए, ढक्कन हटा के अब हम भुट्टे को छानकर बाहर निकाल देंगे। इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। बारिश के मौसम में चटपटे भुट्टे की चाट खाने का मजा ही कुछ और है। हमने सारे भुट्टे छान कर एक बर्तन में निकाल लिए हैं और अब हम चाट बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम भुट्टे की चाट में एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। अब हम इसमें एक छोटा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल रहे हैं। अब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ इसमें डाल रहे हैं। प्याज डालने के बाद अब हम एक लाल मीडियम साइज का टमाटर, जिसे हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, वो हम इसमें डाल रहे हैं। टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब आप लाल मिर्ची अपने स्वाद अनुसार डालिए और उसके बाद चाट मसाला इसमें डालिए। अब हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे और फिर हमारी कॉर्न चाट को अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चाट कितनी जल्दी से और आसानी से बनकर तैयार हो गई है और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। अब आखिर में हम इसके ऊपर कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और अच्छे से एक बार घुमाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी कॉर्न चाट बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। और मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।